नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल ट्यूसडे को 4th ऑफ अगस्त को हमें कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड लेके अगर इंट्राडे करते हैं तो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। प्लस हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी पे अब क्या सिनेरियो रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो वेबिनार था कि हाउ टू ट्रेड फ्लैग एंड पीनेंट पैटर्न, ये हमने एक वेबिनार रखा था आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री वेबिनार रखा था और हम लोगों ने आप लोगों से फॉर्म भी फिल करवाए थे। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल कर दिए थे 1st ऑफ अगस्त को, हम लोगों ने तब तक के लोगों को ही मेल भेजा था जो लोग कह रहे थे कि 2nd ऑफ अगस्त को भी उन लोगों ने जो फॉर्म फिल करे थे 30-40 लोग थे, उन लोगों को मेल इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में कह दिया था और वहाँ पे कह दिया था कि हम लोग सिर्फ 1st अगस्त तक का ही लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को लेंगे और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं शायद इस अगस्त में 2-3 वेबिनार्स और कंडक्ट करवाऊँ और आप लोगों को सिखाऊँ उसके बारे में। सो गाइस ये जो भी वीडियो रिलीज होगी, जो भी वेबिनार के बारे में आएगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो पे अपने यूट्यूब के थ्रू एक हफ्ता पहले कि आप लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल करके अपना कंसेंट मुझे दिखा पाए। एक इम्पॉर्टेंट बात और गाइज कि अब अगस्त की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग हर महीने अपनी सर्विस पे कोई डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आते हैं। तो हम लोगों ने कल अपने डिस्काउंट ऑफर्स रखे थे अपने पर्टिकुलर पेड कॉल्स पे, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस अगर आप लोग 3 या 6 मंथ्स की सर्विस लेते हैं तो उसमें हम आप लोगों को वेबिनार पे डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस आप लोगों को हम टेक्निकल एनालिसिस के जो हमारे कोर्सेज हैं उनके पार्ट्स के कुछ वीडियोज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारा अपलोड करा है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपको मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगर हमारी जो ये पर्टिकुलर ऑफर है ये सिर्फ 5th ऑफ अगस्त तक ही वैलिड रहेगा क्योंकि 2 दिन का हमने तो इनको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे और जो हम 20 मेंबर्स लेते थे अब उसकी जगह हम लोग 35 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने सबसे पहले जो ओपन कर रखा है, ये मैंने ओपन कर रखा हुआ है निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी का इंडेक्स ओपन कर रखा है। मैंने आपको बोला था इस लेवल पे शॉर्ट करिएगा, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं एक सेलिंग आ सकती है जो हमने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी। हमने क्या देखा कि यहाँ तक की सेलिंग आई बट एक्चुअली में इसके नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया अराउंड 10,980 के आसपास। ओके, अब हमने आपको क्यों ये लेवल बोला था, क्योंकि यहाँ पर गैप्स थे जो गैप्स को फिल करने थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी और गैप बचा हुआ है जो कि फिल होना रहता है। अब देखते हैं क्या वो गैप फिल होने आता या नहीं आता, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये एक गैप है जो कि अभी तक फिल हुआ नहीं है, ये वाला गैप भी शायद फिल हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये देखिएगा स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, जो इसका प्रीवियस टॉप था वहां सपोर्ट लिया दोबारा ऊपर चला गया, अब फिर नीचे आ रहा है, यही इसका प्रीवियस सपोर्ट था। ठीक है, जो टॉप था यह इसका प्रीवियस सपोर्ट होना था। अब क्या हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्या हो सकता है अगर कल मैं देखता हूं कि गैप अप ओपन होता है, ज्यादा गैप अप नहीं 40-50 पॉइंट भी अगर गैप अप ओपन होता है तो शायद हम एक रैली देख सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग शायद एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं कल अगर गैप अप ओपन होता है। अगर कल इसी लेवल पे ओपन होता है और नीचे जाना शुरू करता है तो फिर हम लोग कल लोअर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर ऊपर, इंडेक्स निफ्टी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, पहले इसने टॉप पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर अपने प्रीवियस टॉप पे सपोर्ट लिया, अब दोबारा ऊपर गया दोबारा नीचे आ रहा अपने प्रीवियस टॉप पे सपोर्ट ले चुका है। ये जो आज की इसकी क्लोजिंग है ये इसका सपोर्ट लेवल है, बट अगर अब इसके नीचे जाना शुरू करता है तो ये जो पैटर्न है, ये जो बिहेवियर है, जो इस बिहेवियर से ये काम कर रहा है, ये बिहेवियर वो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स हो जाएगा तो इसका सपोर्ट किस लेवल पे आता है, देखिए सबसे पहले लेवल पे आता है ये लेवल पे, ये देख रहे हैं ये लेवल है जो इसका सपोर्ट है, और मतलब अगर यहाँ से अब गिरना शुरू होता है और हम एक फ्री फॉल रैली देखते हैं तो इसकी जो एंड में क्लोजिंग हो सकती है वो 10,500 से लेके 10,400 के आसपास हो सकती है। ठीक है, अभी भी तब भी हम लोग इसको करेक्शन नहीं मानेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग। आप खुद देख सकते हैं एक स्ट्रांग रैली आ रही है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 10,500-10,400 के आसपास, और उसके बाद फिर हम लोग एक कंसिस्टेंट बाइंग देख सकते हैं। बट कल का दिन इम्पॉर्टेंट दिन है,
और अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज नहीं अपलोड कर पाया था, क्योंकि कल रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मैं आज खुद भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया ना पूरे दिन मार्केट को देख पाया। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को आज ही अराउंड 12 बजे के करीब ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जो भी लेवल्स होंगे, कि हमें कल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कल, अब कल इसका दिन इंपॉर्टेंट है, कल अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो मैं कहूंगा कि शायद अब एक रिवर्स हो सकता है, कल शायद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर इसके नीचे जाता है और इसके नीचे कल भी क्लोजिंग दे देता है, तो गाइस फिर यहाँ पर हम लोगों को सीधा शॉर्ट करना है, और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,500। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी भी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। या बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते थे जब इस लेवल पे था, इस लेवल पे मैंने आपको इस लेवल पे बोल दिया था शॉर्ट करो, शॉर्ट करने के बाद हमारा टारगेट होगा ये रेंज। ये रेंज मैंने आप लोगों के लिए दो दिन से बना के रखी हुई थी, आप लोगों को पता होगा मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, इस रेंज तक ये स्टॉक इंडेक्स आ सकता है, और एग्जैक्ट अपने इस रेंज तक आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको देखने वाली चीज ये है इंपॉर्टेंट, कि क्लोजिंग एग्जैक्ट लो पे हुई है। स्ट्रॉन्ग एक हमने बुलिश बियरिश कैंडल देखी, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अब इसके नीचे कल अगर जाना शुरू होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सेलिंग आ सकती है, अच्छी खासी हेवी सेलिंग आ सकती है, फ्री फॉल हो सकता है। बट अगर कल मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर निकल जाता है, कल अगर एक अच्छी खासी बाइंग आ जाती है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ अब एक हम देख सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हो सकता है। और ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आसानी से आप लोग समझ जाएंगे ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं इस रेंज को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिएगा, जब इस रेंज को मैंने एक्सटेंड करा तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला यार एक अपसाइड रैली आई। अपसाइड रैली आने के बाद जब इसने एक रीटेस्ट करा, जब एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक बाउंस करा और एक हायर हाई बनाया, ठीक है। जब नीचे आया एग्जैक्ट उसी रेंज पे सपोर्ट लिया, फिर एक ऊपर गया, फिर इसने हायर हाई बनाया, ओके। अब दोबारा नीचे आ रहा है और इसी रेंज पे सपोर्ट ले रहा है, अब हो क्या सकता है, दोबारा यहाँ से ऊपर जाके हायर हाई बना सकता है, या फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल ब्रेक होने का क्या मतलब होगा कि ट्रिपल, गाइस ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल बॉटम का ब्रेक हुआ है, ठीक है, ट्रिपल बॉटम का ब्रेकडाउन हुआ है इस लेवल पे, ठीक है। अब अगर कल ब्रेकडाउन हो भी जाता, देखिए गाइस दो दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट होगा कि ब्रेक हो सकता है। अगला दिन का इंपॉर्टेंट क्यों होगा कि क्या ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्योंकि यही हम लोगों को कंफर्मेशन देगी। मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं वही स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप हर एक वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट सीख पाए। तो इस वीडियो में क्या ये वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ, अब इस कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है। कल अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज दे जाती है तो हमें अगले दिन भी वेट करना होगा कि उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज देती है कंफर्मेशन के लिए, ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन के लिए। तो अब हम लोगों को याद होगा, पता लगेगा कि अब यहाँ से नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, और नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है अराउंड इस लेवल पे जो कि 1000 पॉइंट नीचे आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग 20,000 का लेवल आ रहा है जो कि 1000 पॉइंट नीचे है, और हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। बट बी पेशेंस, ट्राई रखिएगा तभी आप लोग अर्न कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो वही स्टॉक लेकर आया हूँ मैं जो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आया था मंडे के ट्रेड के लिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अभी भी शॉर्ट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी भी हमारा ये शॉर्ट कैंडिडेट है। यहाँ पर ही मैंने आप लोगों को बोला था शॉर्ट करिए, आज भी 4% की मूवमेंट दे चुका था ये, अभी भी आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट अभी भी फिक्स्ड है 165 का, तो कल भी हम लोग देख सकते हैं नीचे आ सकता है। तो जो भी परफेक्ट शॉर्ट की एंट्री होगी, टारगेट या स्टॉप लॉस होंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और आप जाके वहां से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमारे इसके थ्रू वेबसाइट भी बन गई है जहाँ पर हम आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करवाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी प्रोवाइड होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस गोदरेज सीपी। तो गोदरेज सीपी आती है, मैं आप लोगों को बता दूं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दो दिन तीन दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ फार्मा में और आईटी में, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने अपना बहुत ह्यूज अमाउंट अपना फार्मा और आईटी में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये वीक के लिए, एक महीने के लिए। और आप देख सकते हैं कि फार्मा और आईटी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।
अब टाइम आ गया है वहां से निकालने का। कुछ स्टॉक्स मेरे पास होल्ड में हैं जो कि मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा था, वो मेरे पास अभी भी होल्ड के लिए हैं। और कुछ हम लोगों ने जो एक दो क्लाइंट्स थे जिन लोगों को मैंने करवा रखा था, उन लोगों को हम एग्जिट करवा चुके हैं, बट मेरे लिए अभी भी होल्ड है, जिन लोगों ने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस लेवल ले रखी थी। अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलर स्टॉक क्यों आप लोगों को ट्रेड करवा रहा हूँ, ये देख सकते हैं एक ह्यूज रैली आई। ह्यूज रैली आने के बाद हमने क्या देखा, एक इसने रिट्रेस लिया। रिट्रेस लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसने होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद ये एक फ्लैग पैटर्न था, ये एक हम कह सकते हैं कि मीडियम रिलायबल पैटर्न है। मीडियम रिलायबल पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये होल्ड कर चुका है। तो अब यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है कल इस लेवल पे, अगर 700 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर बाइंग आ सकती है। और ये मेरे पास अभी भी पोजिशनल पे होल्ड पे है, ये अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है इसे। हमने कुछ अराउंड इस लेवल पे बाय बनाया था और ये मेरे पास अभी भी होल्ड पे है, ठीक है। तो इसको भी हम कल बाय करके चल सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करा सकता है। परफेक्ट एंट्री लेवल आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम लेवल के थ्रू, BEL या सो BEL में देखिएगा गाइस। कुछ स्टॉक्स हैं इनमें से जो इंडिया बुल को छोड़ के जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और मुझे इनमें मोमेंटम दिख रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रैली आई। स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद हमने क्या देखा, एक होल्ड करा यहाँ पे। होल्ड करने के बाद एक दोबारा अपमूव आई, अपमूव आने के बाद दोबारा होल्ड करा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और अब एक दोबारा अपमूव आ रही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि एग्जैक्ट अपनी रेंज पे हमने क्या देखा था, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई, उसके ऊपर जाके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग दे दी है, अभी भी क्लोजिंग एक कन्फर्मेशन वाली क्लोजिंग नहीं है। तो कल अगर ये 97.5 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ से हमें 1-1.5 रुपये या 2 रुपये मिल सकते हैं, जो कि अच्छा है इंट्राडे के लिए। ओके, सो इसको भी हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टॉक के लिए, जो कि है मैरिको। मैरिको भी मेरे पास है बट ये मैं शॉर्ट की सलाह दे रहा हूँ अभी के लिए आप लोगों को। अब मैरिको पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या ट्रेंड है और क्या बेस्ट पे मैं आप लोगों को दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रिलायंस था, रिलायंस पे एक शार्प वी शेप रिकवरी आई थी। वी शेप रिकवरी के बाद उसने ब्रेकआउट भी दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ इस तरीके का बनाया था और एक ह्यूज रैली स्टार्ट हो गई थी। आप लोगों को याद होगा रिलायंस का चार्ट ओपन करके कुछ इस तरीके का ही आपको दिखेगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है बट हम क्या देख रहे हैं, मैं आप लोगों को जूम करके दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है और जब दिखता है तो यहाँ पर एक सेलिंग आती है। मेरे लिए ये बाय के लिए है बट अभी मैं एक बार शायद सेल के लिए सोच सकता हूँ। क्या है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या देख रहे हैं, ऊपर विक्स बन रही है, ऊपर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और नीचे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिएगा कि एग्जैक्ट ये अपने कोई भी कैंडल डोजी टाइप कैंडल बना रही है, ठीक है, डोजी टाइप कैंडल बना रही है। 1, 2, 3, 4 दिन से डोजी टाइप कैंडल बना रही है, ना ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है ना नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है। तो कल अगर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक करता है 360 का लेवल तो शायद एक सेलिंग आ सकती है, पर रिकवरी भी कर सकता है ये, ठीक है, कल इंट्राडे में रिकवरी भी कर सकता है अगर सेलिंग आती है तो। बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, 4-5 रुपए से ऊपर का अपना प्रॉफिट टारगेट मत लीजिएगा, जो भी आपको परफेक्ट लेवल दिए जाएंगे उसी पे ट्रेड करिएगा, ठीक है। बट ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाय के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है कैडिला, जो कि मैं आप लोगों को बता बता के थक चुका हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा कैडिला को, इस लेवल पे देखिएगा, ये कैडिला है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका था यहाँ पर ही बाइंग आ गई है। बाइंग आने के बाद ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट किस 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 चीज का दे चुका है, एक अपमूव आई, अपमूव आने के बाद इसने एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाया। कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाने के बाद एक फॉर्मेशन आ गया, फॉर्मेशन आने के बाद ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक पीनट पैटर्न भी बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पैटर्न एक ही उस पर्टिकुलर ट्रेंड पे बने हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद आज इसने हॉल्ट करा, हॉल्ट करने के बाद मुझे लगता है कि कल दोबारा एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है, तो हम लोग इसमें कल भी ट्रेड कर सकते हैं। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब सेलिंग आ सकती है। एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद एक पॉज ले लेता है और पॉज लेने के बाद एक दोबारा अपमूव आ जाती है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख कर चल सकते हैं। तो पूरी एनालिसिस आप लोगों को बता दी गई है, 5 स्टॉक्स आप लोगों को 12 बजे तक रात के हम लोग अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, परफेक्ट एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस और टारगेट्स, और आप जाके ट्रेड ले सकते हैं। गाइस मेरा माइक भी आ चुका है तो मैं कल से जो वीडियो बनाऊंगा माइक के थ्रू बनाऊंगा, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि वो माइक की वॉइस कैसी है और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो गाइस अगर आप लोग का जो अगस्त का जो हमारा ऑफर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ऑफर वैलिडेट है
5 ऑफ अगस्त तक का। ओके सो मेरे पास जो अभी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए लोग आ रहे हैं वो अच्छे खासे जुड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि गाइस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये दोबारा 7,000 8,000 9,000 10,000 तक जाएगा तो नहीं जाएगा भी। है बैंक निफ्टी और निफ्टी 10,500 या 400 तक मुझे मैक्स लगता है कि जा सकता है। और अब हमारे पास बाय करने का सही तरीका है। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचते हो कि महंगा हो गया मैं क्यों बाय, जब सस्ता होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तब आप लोग सोचते हो कि और गिरेगी मैं तब बाय करूंगा, जब मार्केट बढ़ जाती है तब आप लोग सोचते हो कि अब बढ़ चुकी है दोबारा गिरेगी तो मैं बाय करूंगा। आप लोगों के पास अपना पोर्टफोलियो बनाने का कभी मौका नहीं आएगा। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी नहीं चले और चल चुके हैं तो अभी भी चलना बाकी है। तो गाइस फोकस करिएगा, अगर आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है तो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को और आप लोगों को हमारे ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।